श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारका के समुद्र में डूबने के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण के सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जिसमें मुख्य दो कारण हैं। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था। जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदु वंश का भी नाश हो जाएगा। दूसरा कारण ये है, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को श्राप मिला था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, ऋषि कर्ण और देवर्षि नारद आदि द्वारका पहुँचे तो सांब और उनके मित्रों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने सांब को एक नववधु के रूप में ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और पूछा, ये अपनी कोख से क्या उत्पन्न करेगी। ऋषियों ने सोचा ये हमारा अपमान कर रहे हैं और उन्होंने कुपित होकर श्राप दिया, ये अपनी कोख से मूसल उत्पन्न करेगी और यही मूसल उसके वंश को ध्वंस कर देगा, जिससे यहाँ के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। श्राप के अनुसार अगले दिन सांब ने मूसल को जन्म दिया। इसकी जानकारी उन्होंने उग्रसेन को दी। उग्रसेन ने मूसल का चूर्ण बनाकर उसे समुद्र में डालने का आदेश दिया। वह चूर्ण बहकर तट पर आ गया, इराका घास के नरकट में बदल गया। यादवों के उत्सव में उनके बीच लड़ाई हुई। हाथ में हथियार नहीं होने के कारण यादवों ने घास तोड़ लिया जो लोहे जितनी मजबूत थी और इसके उपयोग से उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। इसी तरह यदु वंश का नाश हो गया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।